फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और नवाज शरीफ फैसलाबाद में वासा के हलाक होने वाले मुलाजमीन आसिफ मसीह और शान मसीह की रिहाइश गाह पर गए, जो सीवरेज की सफाई के दौरान हलाक हो गए थे। वज़ीर-ए-आला ने आसिफ मसीह के वालिद इलियास मसीह और शान मसीह के वालिद मुश्ताक मसीह से मुलाकात की और मरियम नवाज ने मतूफ़ी के बच्चों को गोद में बिठा कर प्यार किया, जबकि मतूफ़ी की वालदा को दिलासा भी दिया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ मसीह और शान मसीह के आने ड्यूटी हलाक होने का बेहद दुख है। वासा को अपने सिविलमैनों की हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम करने चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में वर्कर्स के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी किट्स दी जा रही हैं। हर वर्कर मेरे लिए अहम है, हर जान कीमती है। इस दौरान सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, खलील ताहिर संधू, मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमा, चीफ सेक्रेटरी, IG कमिश्नर, RPO और दीगर हकाम भी मौजूद थे। वाजिया रहे कि सूबाई वजीर खलील ताहिर संधू की दरख्वास्त पर मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फैसलाबाद में जहरीली गैस से जान बहक होने वाले आसिफ मसीह और शान मसीह के अहले खाना से इजहार अफसोस किया और मजीद माली मदद का भी ऐलान के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया।